आपने झूठ बोला है अपनी इश्तिहार में जी, आपने जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ किससे और क्यों बोला है? नानी ने मुझसे एक बार बहुत बड़ा झूठ बोला था। हाँ। बोला था कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करना चाहती हूँ। सर ये सारी चीजें ना कॉर्पोरेट बी स्कूल में सिखाई जाती हैं। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आप जो है वो वाकड़ा है तो आप जो है वाकड़ा आंसर ही दीजिए, कुछ जो सच है। जो सच है, जो सच है, तो जो सच है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अनुराग आप ये बात तो करेक्ट है। अच्छा ये बात करेक्ट, कई बार लगता है यार झूठ बोल लेती। आप इनकी इतनी तारीफ करती हैं या कुछ ऐसा? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही साफ शब्दों में हर चीज मतलब बोल देती हूँ। तो ये कभी कभी बोलते कि रानी आप क्यों इतने साफ शब्दों में बोल रही, थोड़ा सा झूठ बोल दीजिए। मैंने बोला नहीं मैं नहीं बोल सकती झूठ, तो मुझे ये कंट्रोल करते हैं। वैसे सच मत बोलिए ना, मत जरा कंट्रोल रखिए, सच में लगाम दीजिए सच। सर आपने सब किसको या क्यों बोला है? मैं तो सारी दुनिया में सबसे बड़ा झूठ बोला है। क्या? मुझे मेन स्ट्रीम फिल्में पसंद नहीं है। अबाउट is that he's a great director and as a person I think he is very very honest. I think the annoying part about Sachin is that sometimes he's scared to say what he feels in his heart, which I think he'll probably exercise that furthermore now since he'll become successful and he'll become a sought after director, so he'll be more forthcoming. But yeah, but I think both of them have been just wonderful to work with. It's been a great team. Why are you scared directing her? In the pre-production process, yes, I was scared because such a huge star she's there. Main unka bahut bada fan hu और उनका एक्सपीरियंस 1700 गुना ज़्यादा है मुझसे, मतलब 17 साल में 1700 गुना ज़्यादा। तो इनिशियली मैं था, लेकिन हमने इतना अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया एंड शी द वे वी वॉक टिल द शूटिंग फ्लोर। हम जब शूट कर रहे थे तो आई वाज वेरी रिलैक्स, शी वाज माय फ्रेंड, शी इज माय फ्रेंड नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी। देयर वाज अ स्मूथ रन, वी नेवर हैड एनी इश्यूज। शी इज अ ग्रेट एक्टर एंड अ पर्सन टू वर्क विद। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज रानी मुखर्जी वाकड़ा? Completely. 200%. Synonymous two words are Rani Mukherjee and Vakda. Completely. तो जाते जाते एक आया expression हो जाए। आया। इस फिल्म में देखो ना वो expression जो फिल्म में। वो तो कम। ये। पता नहीं क्या क्या किया है। सर आपकी अभी तो हम यहाँ से शुरू। मतलब ऐसा लगता है कि रानी ने ये मुंह उठा के यहाँ लगा दिया आँख। ठीक है ये। तो जाते जाते सर मीनाक्षी एक्सप्रेशन, मीनाक्षी नंबर वन से करवाएंगे मीनाक्षी एक्सप्रेशन। आया। No, I'll tell you one very interesting thing about Sachin. Like, you know, whenever we used to shoot, now Sachin has to show me what I'm supposed to do in the shot and the scene. So I tell him, Sachin, dikhao. Now Sachin used to always act showing me his back. So I was मैं कैमरा को देख के परफॉर्म कर रहा हूँ, रानी मेरे पीछे खड़ी है। तो फिर वो मुझे घुमाने लगी धीरे धीरे, सचिन तू मुझे दिखा, कैमरे के सामने एक्टिंग मत कर। So his set over and to acting is to happen, मतलब I slowly see his back. So we've done the entire film. Sir, अब तो हुआ है तो एक माइक फ्रंट फॉर द कैमरा, फ्रंट फॉर द कैमरा। आया आया सर, आया इशा अगर भाई, दैट्स ऑल। अनुराग सर, आया आया, क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं। एंड नाउ रानी मुखर्जी, मैंने तो कर दिया, टेकिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर एंड गिविंग अप योर ओन इनपुट। हां, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पागल है पर हीरोइन तो कमाल। तो अभी ऐसा ये है कि जो फिल्म है वो 12 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। जी, 12 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। बोलो 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर कमिंग टू अ थिएटर नेक्स्ट ईयर। क्या बात है, हीरोइन ऑफ द ईयर। बट आप ये मराठी में बोल दीजिए प्लीज। वाकड़ा रे वाकड़ा, मराठी मराठी, यही तो है ना, भाकड़ा मराठी। चलो चलिए सच, माझा सिनेमा पाहिला, माझा सिनेमा पाहिला 12 अक्टूबरला थिएटर मध्ये या, थिएटर मध्ये या आणि 2-4 महिने थिएटर मध्येच राहा, आणि 2-4 महिने थिएटर मध्येच राहा। मेरा भी सेम टू सेम। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। और अगर आप भी अय्या करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को जरूर जाइएगा सिनेमा घरों में। स्क्रीम अय्या, स्क्रीम अय्या।